जी कैफ सेवन, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 63। आज के लेक्चर में हम एक तो प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कवर किया था। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, उनकी डिस्कशन करेंगे और फिर पढ़ेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये पूरा चैप्टर बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स को डील कर रहा है जो कि रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से है, और ख़ास तौर पर जो साल ख़त्म होने के बाद बनाई जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अभी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और इसके बाद एनुअल रिपोर्ट आएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर मेंटेन की जाती हैं। तो कल हमने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हर कंपनी ने प्रिपेयर करनी है? नहीं, सिर्फ होल्डिंग कंपनी ने, और होल्डिंग कंपनी में भी किस होल्डिंग कंपनी ने? जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हो। अगर अगर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, तो फिर ऐसी होल्डिंग कंपनी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करनी। वैसे ऐसी होल्डिंग कंपनी, अच्छा एक तो खुद प्राइवेट है छोटी सी कंपनी, और उससे भी मुझे छोटी 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल, और वो भी किसी की होल्डिंग कंपनी हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये, बहरहाल फिर भी उसमें लॉ ने कह दिया कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना लाजमी नहीं है, वरना हर होल्डिंग कंपनी ने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। हर होल्डिंग कंपनी ने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, यानी हर होल्डिंग कंपनी अपनी एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और एक कंसोलिडेटेड बनाएगी। और हमने स्टडी किया था इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो क्या होता है? ईयर एंड। जब ईयर एंड मैच नहीं करता, जब ईयर एंड मैच नहीं करता, तो हमने देखना होता है कि इनका जो गैप है वो 90 दिन है या 90 दिन से ज्यादा का है। अगर 90 दिन तक गैप हो तो क्या करना है? इंटरम, नहीं इंटरम, इंटरम क्लोजिंग तो 90 दिन से ज्यादा गैप हो तो एक्सटेंड, जो होल्ड, जो सब्सिडियरी कंपनी है, सॉरी कोई सी भी कंपनी, दोनों में से कोई सी भी कंपनी अपना ईयर एंड एक्सटेंड करेगी ताकि वो दूसरे के साथ मिल जाए, और फिर उसके बाद सेम ईयर एंड हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती रहे। लेकिन अगर दोनों के ईयर एंड का गैप 90 डेज से ज्यादा है तो सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम क्लोजिंग करनी है। क्लियर? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने स्टडी किया था कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, IFRS की भी होंगी, शेड्यूल्स की भी होंगी, और अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफिकेशन का बायस बन रहा है और वो रेलिवेंट है, अहम है होल्डिंग कंपनी के यूजर्स के लिए, तो वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो डिस्क्लोजर में वो वाला मैटर भी आएगा जो सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है लेकिन होल्डिंग कंपनी की यूजर्स के लिए अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रैक्टिकली आप काउंटिंग में भी शायद ये सीखते होंगे, सब्सिडरी कंपनी का हर डिस्क्लोजर उठ के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, सिर्फ वही डिस्क्लोजर आता है जो कि होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स के लिए रेलिवेंट होगा। ये हमने स्टडी की थी बेसिक कंसेप्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं चलिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको दिए थे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ऑन January 1, 2020 रिवर पाकिस्तान लिमिटेड RPL बिकेम द होल्डिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान लिमिटेड JPL बाय एक्वायरिंग 51% शेयर्स। द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ RPL इज 30 जून, जो होल्डिंग कंपनी है इसका ईयर एंड 30 जून है, एंड दैट ऑफ JPL इज 31 दिसंबर, सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर। हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फुलफिल्ड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट बोथ कंपनीज हैव डिफरेंट ईयर एंड। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? अब सब आपने जो सबसे अहम चीज देखनी है वो ये कि टाइम पीरियड कितना है दोनों के ईयर एंड में। जो गैप है वो मोर देन 20 डेज का है, तो इसका सॉरी मोर देन 90 डेज का है, तो जो गैप चूंकि मोर देन 90 डेज का, इसका मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है उसने इंटरिम क्लोजिंग, इंटरिम क्लोजिंग किसने करनी है? सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम क्लोजिंग करनी है। किस डेट पे करेगी? यानी इस केस में जीपीएल ने इंटरिम क्लोजिंग करनी है 30 जून को, और वो 30 जून 2020 को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक बनेगी। ये वही ईयर एंड हो जाएगा जो कि इसकी होल्डिंग का है, और इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखें सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज के लिए बनेगी, कंसोलिडेशन के लिए। ये फाइनेंशियल स्टेट, क्या क्या जीपीएल के यूजर्स, जीपीएल के शेयर होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड की जाएंगी? नहीं की जाएंगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पज के लिए आरपीएल को, और जो जीपीएल के शेयर होल्डर्स हैं इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब सेंड की जाएंगी? 31 दिसंबर, जब जीपीएल का ईयर एंड होगा उसके 120 दिन में। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं क्वेश्चन 9। ऑन अक्टूबर 1, 2021
फूड फेस्टिवल लिमिटेड FFL बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ ओरिगेनो लिमिटेड बाय एक्वायरिंग 60% शेयर्स. द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ FFL इज 31st दिसंबर एंड डेट ऑफ OL इज 31st अक्टूबर. ठीक है. हाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फुलफिल्ड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट बोथ कंपनीज हैव डिफरेंट ईयर एंड. अब अगेन इसमें जब डिफरेंट ईयर एंड हमने क्या देखना है, डिड द गैप 90 डेज से कम का है कि 90 डेज से ज्यादा का है. इस सिचुएशन में जो गैप है वो 90 डेज से कम का है. जब गैप 90 डेज से कम का हो तो फिर क्या करना है, होल्डिंग या सब्सिडरी ने अपना फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करवा लेना. एक्सटेंड करवा इस केस में से तो दोनों में से कोई भी करवा सकता है, लेकिन इस केस में प्रोबेबली ये सब्सिडरी के लिए आसान है कि वो 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ले जाए. तो इस सिचुएशन में कमीशन को अप्लाई किया जाएगा. इस सिचुएशन में FFL अपना फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करेगी और इसके लिए कमीशन फैसिलिटेट करेगा. फैसिलिटेट करने से क्या मुराद है, जो इसकी AGM की डेट है, जो इसकी फाइनेंशियल फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें भी एक्सटेंशन दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ. क्लियर. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस किस चीज का था, गैप का, कि गैप 90 डेज से कम का या 90 डेज से ज्यादा. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए, ये दो क्वेश्चन ही थे. इसके साथ हमारी क्वेश्चंस की डिस्कशन जो है वो खत्म हुई. अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ. स्टार्ट करें जी लेक्चर. पहला क्वेश्चन मेरा, जब किसी कंपनी का ईयर एंड हो जाता है, इसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर उसने AGM कंडक्ट करवानी है, AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है और मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं यानी अप्रूव करते हैं उसमें, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने फर्स्ट टाइम AGM में नहीं रखी जाती बल्कि ऑलरेडी उनको पहले पहुंचा दी जाती. कैसे पहुंचाई जाती? शाबाश. नोटिस ऑफ AGM के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेंड की जाती हैं. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. इसके साथ और क्या क्या चीज डिस्पैच की जाती है मेंबर्स? ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट. ठीक है ठीक है. चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट. ठीक है ठीक है. अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, पहले कभी हुआ था, अब नहीं है. डायरेक्टर्स रिपोर्ट हमारे सिलेबस में है. आज के लेक्चर में हम ये सीखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो हमें पता, हम पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज का नाम है और ये शेयर होल्डर्स को क्यों सेंड की जाती है. आज हम कवर करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट किस चीज का नाम है और ये शेयर होल्डर को क्यों सेंड की जाती है. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपके रिजल्ट आया, आपके घर वालों ने रिजल्ट देखा, आपके रिजल्ट में जो भी है, फर्ज कीजिए कि आपने चार पेपर दिए, चारों पास गए, फर्ज कीजिए किसी स्टूडेंट ने चार पेपर दिए और जो दो पेपर चले उसके पास हुए, फॉर एग्जाम्पल चार पेपर दिए और पांच हो गए, शाबाश. हाँ जी, पांचवा पेपर किस चीज का दिया था? तो अच्छा सुने, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो रिजल्ट खासतौर पे CA का रिजल्ट है ये ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट को शो कर रहा होता है? नॉर्मली नहीं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि तैयारी अच्छी होती है लेकिन पेपर फेल हो जाता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, पेपर पास हो जाता है. लेकिन ज्यादातर ऐसा कम ही होता है. बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ, ज्यादातर यही होता है कि तैयारी अच्छी है लेकिन पेपर पास है. तो मुझे बताइए, क्या आपकी रिपोर्ट जब आपके वालदैन तक पहुंचे, आपका रिजल्ट पहुंचे, तो सिर्फ ICAP का रिजल्ट पहुंचे के साथ में आपकी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेटरी मटीरियल भी साथ अटैच होना चाहिए कि मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने क्लासेस, मैंने प्रैक्टिस भी की बड़ी, और मैं जो जो भी आपकी जो ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस को शो करवा रही है 6 महीने की लेकिन आपके रिजल्ट में शो नहीं हो रही, क्या वो आपके वालदैन को पता चलनी चाहिए? एग्जैक्टली इसी तरह डायरेक्टर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू है. डायरेक्टर्स ये कहते हैं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम साल के बाद बना के शेयर होल्डर्स को भिजवाते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी परफॉर्मेंस की ट्रू पिक्चर नहीं होती. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस उनके साथ वैल्यूएट होनी चाहिए लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीजें नहीं है. जैसे नाम से जाहिर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं कर रही. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बता रही है कि हमारे खर्चे एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि हमारे एम्प्लॉयज हमसे कितने मुतमिन हैं, हमारे एम्प्लॉयज कितने खुश हैं, कितने लॉयल हैं.
ये तो बता रही है कि हमारा प्रॉफिट पिछले साल की निस्बत इस साल कम है, लेकिन ये नहीं बता रही कि हमने सोसाइटी की तरफ कितना कंट्रीब्यूट किया है। हमने 2-3 नए स्कूल खोले हैं जिनमें हमारे एम्प्लॉयज हैं, गरीबों के बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं और हम उसको फंडिंग करते हैं। ये तो बता रही है कि हमारे एक्सपेंसेस पिछले साल की निस्बत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसमें हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जो एडवांस है लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन उसे इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट जो है वो जो बैड इंपैक्ट है वो कम पड़ता है। ये चीजें भी हमारी के साथ वैल्यूएट करनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। सिर्फ फिगर्स को वैल्यूएट नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट इनकम एक्सपेंस हमारी ट्रू परफॉर्मेंस को शो नहीं कर रहे होते। डायरेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपके ख्याल में डायरेक्टर्स का अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो शेयर होल्डर तक ये पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अब मजबूरी ये है कि डायरेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनेंगी, इसमें क्या चीजें शो होंगी क्या चीजें शो नहीं होंगी, ये IFRS ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बता दिया हुआ है। मैनेजमेंट अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें चेंजेस नहीं कर सकती। वो मन है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ये। इसके लिए ला ने फिर एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला कि एक स्टेटमेंट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। लॉ ने यह कहा आप जब कभी शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करें ना, एनुअल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, जब कुछ भी मेंशन ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ तो उसका मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो लॉ ने यह कहा डायरेक्टर्स को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर्स को भिजवा रहे हैं इनके साथ आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी अटैच कर देना है, और इसमें आपकी मर्जी, आप जो चीजें मुनासिब समझें वो अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ सीएन ला ने खुद भी कह दिया कि आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपने इन इन चीजों को डिस्कस करना है, लेकिन कुछ चीजें अगर डायरेक्टर जस्टिफिकेशन वगैरह अगर समझे, जैसे फर्ज कीजिए कि ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलती है और डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं की, जबकि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि डेप्रिसिएशन वाकई जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट होनी चाहिए जैसे हमने की हुई है, हम ठीक है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, यह सूल जहन में रखिएगा। डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता। डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर डायरेक्टर देना चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन के बारे में, कि जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में उनके बारे में नेगेटिव लिखा है। मॉडिफिकेशन का मतलब जो नेगेटिव चीज ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है तो उसके बारे में डायरेक्टर एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल कहां कर सकते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में हाथ भी नहीं लगाने देगा डायरेक्टर को, कहेगा जाओ अपनी रिपोर्ट में जाके जो लिखना बताओ, मैं ये तो अपने हिसाब से लिखूंगा। इसी तरह फर्ज कीजिए कि लॉसेस हुए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ इतना बता रही ना लॉसेस हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर को पता है कि ये कोरोना की वजह से अफेक्टेड पीरियड था, मुस्तकबिल में अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए मुस्तकबिल के प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन डायरेक्टर को खतरा, वो कहते हैं कि जी ये तो आरजी लॉस था, अगर शेयर होल्डर को इसके बारे में फर्दर गाइड ना किया वो तो इन्वेस्टमेंट बेच बाज के निकल जाएंगे। तो क्या डायरेक्टर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी के बारे में शेयर होल्डर्स को बताना चाहे? बता सके, बिल्कुल बता सके। कैसे बताएंगे? डायरेक्टर्स बोर्ड। इसी तरह फर्ज कीजिए कंपनी को इस साल नुकसान की बजाय मुनाफा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन डायरेक्टर्स ने फिर भी डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा बल्कि मुझे कैसे याद आ गया, दो पार्ट थे इसको, एक पार्ट था बेसिकली, एक मैंने खुद से ऐड किया, जो खुद से ऐड किया पहले ये पूछ रहा हूँ, कैसा पॉसिबल है प्रॉफिट हो और डिविडेंड पे ना किया जाए? शाबाश। कैसा पॉसिबल है ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है और फिर भी डिविडेंड पे कर दिया जाए? ये भी पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? पिछले सालों की रिटेन्ड अर्निंग से। ठीक है, बिल्कुल पास। अच्छा, इस साल प्रॉफिट हुआ डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन डायरेक्टर चाहते हैं कि शेयर होल्डर कहीं गुस्सा ना करें ये देख के प्रॉफिट हुआ डिविडेंड नहीं दिया, और वो कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देना चाहें कि सर हमारे हाथ बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लगा है, अगर अभी आपको डिविडेंड देते हैं ना तो एक शेयर के ऊपर 2 रुपए डिविडेंड देंगे, लेकिन अगर आप एक साल तक इंतजार कर लेना तो इस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की वजह से अगले साल एक शेयर के ऊपर 10 रुपए डिविडेंड देंगे। क्या ये एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन शेयर होल्डर्स को काम डाउन कर देगी? ये इंक्लूड कर देनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट की जरूरत किस लिए पेश आई? ये हाँ, हर वो इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टर समझते हैं शेयर होल्डर को बताना जरूरी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो उसका जिक्र ही नहीं है या उसका उस तरीके से जिक्र नहीं है जिस तरीके से डायरेक्टर्स बताना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर लॉ ने ऑप्शन क्या दी है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट की। अब आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। मेन कंसेप्ट हमारा आज का यही होगा कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड, क्या क्या कंटेंट्स मेंशन किए जाते हैं। सबसे पहला सीखने क्या जा रहे हैं, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है किन कंपनीज ने प्रिपेयर करना है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन कंपनी ने प्रिपेयर करनी होती है?
गलत। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी ने प्रिपेयर करनी है। हाँ, ऑडिट किन कंपनी ने करवाना है? हाँ, तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन कंपनीज ने प्रिपेयर करनी है? तो बाज औकात कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होते हैं जो हर कंपनीज के ऊपर है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो सिर्फ सर्टन कंपनीज के ऊपर है। उसी तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्या हर कंपनी ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनानी रिक्वायर्ड है? नहीं, लागत है नहीं। चंद एक कौन सी कंपनी अभी पढ़ते हैं, ऑथेंटिकेशन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन हुई थी, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन हुई थी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन हुई थी। अच्छा, ये क्या है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिकेशन हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन पढ़ी थी हमने, उसमें पढ़ा था वही होगी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है, ये नहीं पढ़ा था? नहीं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑथेंटिकेशन और साइनिंग थी। भाई हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन और साइनिंग होगी, लेकिन रूल सबके सेम थे, वो हमने सिर्फ एक दफा पढ़े थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्वार्टरली में और ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं, सेम है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा क्वार्टरली हू शैल ऑथेंटिकेट एंड साइन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे? सेम है, ये हाल है भैया। बताओ अब, नहीं अब तो बताओगे तो जान छूटे। ऑथेंटिकेट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साइन कौन करता? एटलीस्ट वन डायरेक्टर, सीईओ अगर पाकिस्तान में है तो, पाकिस्तान में नहीं है तो फिर एटलीस्ट टू डायरेक्टर हो जाएंगे, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। क्वार्टरली स्टेटमेंट तो हमेशा लिस्टेड, उसमें इफ लिस्टेड कंपनी की लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन ऑथेंटिकेट और साइन करेगा, ये मेरा भाई बताएगा मुझे। ऑथेंटिकेट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साइन करेगा एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड सीईओ, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। ठीक है, ऑफ होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आपको पता ऑथेंटिकेशन तो जरूरी होती है ना, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में और साइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, किन कंपनी ने प्रिपेयर करनी है, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगे। सबसे पहले किन, ये तीन कंसेप्ट हैं बस, और कुछ नहीं आज के लेक्चर। सबसे पहले किन कंपनीज ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना लाजमी है, तीन तरह की कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन आर मोर, इन्होंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अच्छा, इसको ध्यान से याद कर लें, ये आपके एक सब्जेक्ट ऑडिट में भी एज इट इज काम आएगा। हम में से जो स्टूडेंट अगर ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़े तो उन्हें पता होगा क्या, हाँ, के जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना ऑडिटर का, उसमें भी सिमिलर लाइन्स है कि इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसी तरह इन तीन तरह की कंपनीज के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना भी जरूरी। किन तीन तरह की कंपनीज के लिए? एवरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन आर, इन तीन तरह की कंपनीज के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना जरूरी है। क्लियर? अच्छा बताइए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑडिटर प्रिपेयर करता है कि शेयर होल्डर? भाई वो बताने लगा, खुदा का खौफ कर यार, बताने लगा था वो कि शेयर होल्डर करते हैं। कौन करता है प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, शेयर होल्डर या ऑडिटर? डायरेक्टर्स करते हैं, शाबाश शाबाश। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स रिपोर्ट की, नहीं आपको उम्मीद नहीं थी भाई सही जवाब दे दें, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक डायरेक्टर के दिल में जो आया उसने लिख दिया, ये बेसिकली रिपोर्ट है, इसको ड्राफ्टिंग शायद इसकी एक डायरेक्टर ही करे, लेकिन वो सारे बोर्ड के सामने रखता है और बोर्ड फिर अप्रूव करता है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए क्या नहीं। कुछ रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है, वो मैटर तो आने ही चाहिए, बाकी कुछ एडिशन भी अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साइन कौन करेगा? एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, इसमें सीएफओ नहीं है, क्योंकि सीएफओ खुद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंस की फाइनेंशियल ऑफिसर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए,
डायरेक्टर्स रिपोर्ट के लिए थोड़ा ही है। डायरेक्टर्स बोर्ड में तो नॉर्मली फाइनेंशियल मैटर्स चंदे ही होते हैं, ज्यादातर तो नॉन फाइनेंशियल होंगे। अब चलते हैं कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड की तरफ। एग्जाम में जो क्वेश्चन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछता है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कंटेंट्स ध्यान में रखिएगा, कंटेंट्स हैं तीन तरह के। सबसे अहम कंसेप्ट ये नहीं है कि कंटेंट कौन कौन से हैं, सबसे अहम कंसेप्ट आपके समझने के लिए ये है कि किस सिचुएशन में कौन से कंटेंट्स इंक्लूड करने हैं। ध्यान में रखिएगा, ये तीन कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तीन लिस्ट हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ये वाले एलिमेंट्स वो हैं जो हर कंपनी के डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखे होंगे। ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं जो हर कंपनी की डायरेक्टर्स बोर्ड में आएंगे, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट, ठीक है, हर कंपनी की डायरेक्टर्स बोर्ड, जिस कंपनी के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना लाजमी है उसके लिए ये एलिमेंट्स लाजमी होंगे। फिर अगर पब्लिक कंपनी है तो इसके साथ साथ मजीद ये एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, एडिशनल कंटेंट्स फॉर पब्लिक कंपनी। यानी अगर प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन है, 5 मिलियन है, उसने सिर्फ, और वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ यही एलिमेंट लिखना लाजमी है। और ऐसी कंपनी जो पब्लिक है उसने ये भी लिखने हैं और ये भी लिखने हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे ना वर्ड एडिशनल को मिट कर जाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर समझ लग गई क्या, प्राइवेट कंपनी है तो ये लिखना है, पब्लिक कंपनी है तो ये लिखना है, लिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर बोर्ड में ये चीजें आएंगी। नहीं, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चल रही है। यानी हर कंपनी चाहे किसी भी किस्म की हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, ये चीजें जरूर आएंगी। अगर पब्लिक कंपनी है ये और ये, और अगर लिस्टेड है तीनों, तीनों, ठीक है। तो वो कौन से एलिमेंट्स है जो हर कंपनी की डायरेक्टर्स बोर्ड में आएंगे? पहला, फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो कैसा आ रहा इसमें। अच्छा ये ना अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक एक, अगर आप पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाए, स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट सेक्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं, हर सेक्टर की एक लिस्टेड कंपनी उठाएं, उस लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ये सेक्शन पढ़ लें, पूरे पाकिस्तान में पूरे साल में उस सेक्टर में जो भी ऊंच नीच आई है ये इस जगह पे डिस्कस हुई होती है। फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कभी प्रोफेशनल लाइफ में जाए ना तो ये काम जरूर कीजिएगा, आपकी बिजनेस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जिसमें डायरेक्टर्स पूरे बिजनेस का रिव्यू बता कि हमारा बिजनेस पूरे साल के दौरान में कैसे डिफरेंट फेजेस से गुजरा, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या आया, ठीक है। जैसे ऐसी कंपनी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है वो अपने इस सेक्शन में एक्सचेंज रेट का जिक्र जरूर करेंगी, खासतौर पर इंपोर्ट वाली कंपनी, कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, हमें तो एक्सचेंज रेट मार गया, वरना तो हम बहुत अच्छी सेल्स हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्रॉफिट आपको कम नजर आ रहा है ना ये इंपोर्ट एक्सचेंज रेट की वजह से। तो ये फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, पूरे साल के दौरान बिजनेस जिन जिन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज की वजह से इफेक्ट हुआ उनका जिक्र किया जाता है, ये एक तरह से समरी है आपकी। इसके बाद फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस के बाद इसमें नॉर्मली डिफरेंट फैक्टर्स जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं उनका जिक्र किया जाता है, और फिर बताया जाता है कि उनकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। यानी प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज आने की जो रीजन है नॉर्मली वो यहां पे जस्टिफाई करवाई जाती है। प्रॉफिट लॉस में सिर्फ प्रॉफिट है कि लॉस है ये बताया जाता है, रीजनिंग नहीं बताई जाती कि पिछले साल की निस्बत क्यों इंक्रीज डिक्रीज, वो डायरेक्टर्स बोर्ड से मिलती है आपको। फिर रिकमेंडेड, अगर कोई डिविडेंड रिकमेंड किया तो डायरेक्टर्स बोर्ड में पढ़ा था ना हमने कि डायरेक्ट एनुअल डिविडेंड डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो कैसे रिकमेंड करते हैं, एक नोटिस ऑफ एजीएम में भी एजेंडा लिखा होता है ऑर्डिनरी बिजनेस में, और दूसरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी लिखा होता है। तीसरा, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखिए प्रॉफिट लाजमी तो नहीं सारे का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर रिकमेंड कर रहे हैं, तो जितना हिस्सा प्रॉफिट का डिविडेंड वो इधर आ जाएगा और जितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये तीन चीजें हर कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लाजमी आएंगी, फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस, डिविडेंड और रिजर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी
विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये जहन में रखिएगा, ये प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी के लिए भी है। नॉर्मली स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन याद की होती है, वो नीचे वाली लाइन के साथ कंसर्ट पूछ होता है, कहते हैं प्राइवेट कंपनी उसमें तो सिर्फ यही चीजें थी, कहते नहीं प्राइवेट तो है पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी है, इसमें एडिशनल चीजें भी आएंगी, क्या क्या समझाने की जरूरत है। डायरेक्टर के नाम, डायरेक्टर के नाम आएंगे, कौन कौन डायरेक्टर है। चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, अगर के बिजनेस के नेचर में चेंज हुआ है वो बताया जाएगा डायरेक्टर रिपोर्ट में। जैसे ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। साथ ही उसने क्या, अच्छा मैंने देखा ही है सिर्फ, साथ मेरे से ना पूछना सर जी, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आप बता दीजिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए सिर्फ एक चीज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज के लिए कमीशन के पास जाना पड़ता है कि नहीं, एक बताया सिर्फ, यस क्या जाना पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करवाने के लिए जाना पड़ता है कमीशन के पास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए रीजन बताई थी, और दूर चले जाएंगे क्रेडिटर कैसे आप तक पहुंचेंगे, इसीलिए कमीशन से ज्यादा लेनी पड़ती है। और कमीशन क्या कहता है, क्रेडिटर को राजी हो जाके सेटिस्फाई करो, पे करो उसको, फिर ज्यादा देता हूं। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए थे, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज की गई हो तो क्या करना है, यहां पे जस्टिफाई करवाना है क्यों चेंज की, क्यों चेंज। थर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन लिया था और उसकी रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, उसकी जस्टिफिकेशन क्यों डिफॉल्ट किया, आपके ख्याल में क्या ये छोटी रीजन डिफॉल्ट करना ना। अभी हम वाइंडिंग का वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी ने किसी को 1,00,000 रुपया अदा करना है ना और उसे टाइम पे अदा नहीं किया, तो उस क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, लाजमी नहीं है कि हमेशा ये काम करे, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो कोर्ट में जाके वाइंडिंग का ऑर्डर पास करवा सकता है। ये अगला चैप्टर हमारा वाइंडिंग अप से रिलेट कर रहा है। तो अगर अच्छा जी, जो डिफॉल्ट होता ना, चूंकि वाइंडिंग अप की तरफ इशारा कर रहा कि कंपनी पूर कंडीशन में है, तभी तो डिफॉल्ट किया, तो इसीलिए यहां पे उसकी जस्टिफिकेशन बतानी पड़ेगी क्यों लोन की किस्त टाइम पे अदा नहीं की। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग का मतलब है जितने भी शेयर होल्डर उनकी क्लासिफिकेशन, पैटर्न का मतलब क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स कितने हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज कितनी है जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, यहां पे ये इसकी क्लासिफिकेशन लिखते हैं, जिससे अंदाजा हो जाए कि शेयर होल्डर्स किन किन लोगों के पास है, क्या ज्यादातर शेयर होल्डर चंद एक लोगों के पास है या शेयर होल्डिंग स्प्रेड है। इस पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग का बेसिक पर्पज ये होता है कि पता चल जाए शेयर होल्डर्स की तादाद टोटल कितनी है, ठीक है। एक टर्म प्रोफेशन में बोली जाती है क्लोजली हेल्ड एंटिटी, अगर शेयर होल्डर 5, 7, 8, 10 होना सिर्फ, तो इसे कहा जाता है क्लोजली हेल्ड एंटिटी, यानी इसके शेयर होल्डर्स चंद एक लोगों के पास है जो मे बी फैमिली मेंबर ही हो। तो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इंक्लूड की जाएगी। नेम एंड ओरिजिन ऑफ होल्डिंग, अगर कोई होल्डिंग कंपनी भी है इस कंपनी की, कोई होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है और ओरिजिन, वो किस 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 मुल्क में रजिस्टर्ड है। हमने आपको याद होगा शायद कुछ, बल्कि आज ही शायद नहीं कल केस स्टडी की थी जिसमें 100% शेयर एक फॉरेन कंपनी ने ओन किए थे, होली ओन। तो यहां पे भी अगर उस कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा जाएगा जो सब्सिडरी है कि हमारा होल्डिंग कंपनी कौन है और किस मुल्क में रजिस्टर्ड है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अक्सर शेयर होल्डर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन करते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसमें प्रॉफिट को देख के डिसीजन करते हैं। तो जिस तरह कुछ चीज़ों के साइड इफेक्ट होते हैं ना, जैसे मेडिसिन हालांकि अच्छी चीज़ है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों की भोंह से दूर रखें, उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर प्रॉफिट है उसको देख के इन्वेस्टमेंट करने को दिल करता है कि हम भी इसके शेयर्स खरीदते हैं ताकि हमें भी इसके प्रॉफिट में से हिस्सा मिले, लेकिन लॉ ये कहता है आपने अपने इन्वेस्टर्स को साथ साथ ये वार्निंग भी देनी है, क्या कि इस बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं रिस्क भी है, और लाजमी नहीं कि अगले साल भी इसी लिहाज से प्रॉफिट हो।
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हर बिजनेस के साथ अटैच होती हैं, चाहे वो दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों ना हो, उसके साथ में रिस्क और अनसर्टेनिटीज है। तो आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज के बारे में डिस्कस करना है, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले अलर्ट हो जाए। इसमें जो मेजर रिस्क होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं, मेजर रिस्क। जैसे कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होगी तो उसका मेजर रिस्क क्या होता है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हो सकता है हमारी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए। इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज होगी तो वो मेजर रिस्क कि अगर एक्सचेंज रेट मजीद 250 तक गया तो हो सकता है ये हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी सेल प्राइस से भी ऊपर चली जाए, उस सूरत में हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जो भी मेजर रिस्क उस बिजनेस के, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कहते हैं कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम, जैसे ना गुड गवर्नेंस होना, आपने गुड गवर्नेंस के पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो गुड गवर्नेंस सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं, कंपनी लेवल पे भी होनी चाहिए। तो कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस, इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। गवर्नेंस सिस्टम को क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अगर गुड गवर्नेंस हो कंपनी के अंदर तो इंटरनल कंट्रोल गुड है, और अगर बैड गवर्नेंस हो तो इंटरनल कंट्रोल बैड। यानी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक, हम ये दो अल्फाज बोलते हैं। तो एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब ये कि बताया जाएगा, डायरेक्टर्स बताएंगे कि उनके ख्याल में कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। और डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना जब डायरेक्टर की जिम्मेदारी है तो ये रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? लेकिन शायद कोई ईमानदार डायरेक्टर वो लिख भी दे कि ये गड़बड़ हुई थी। नॉर्मली प्रैक्टिस पता क्या है कि जो इशू सारी दुनिया को पता चल जाए ना लिख देते हैं। जैसे अगर किसी बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, उसमें पता चलेगा किसने साइबर अटैक किया था और बैंक के पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैकिंग के जरिए से। अब अखबारों में खबर आ गई और डायरेक्टर को पता ये इशू नहीं छुपा सकते, तो वहां पे फिर एडिक्वेसी इंटरनल कंट्रोल में ये लिख देंगे कि हमारा जो डाटा बेस था ना सारे कस्टमर का, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स थे एक्सेस कंट्रोल्स वो वीक थे, बाकी सारे कंट्रोल स्ट्रांग है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ बताना चले तो तबाही भी फिर जाए बिजनेस के अंदर। इधर यही लिखेंगे कंट्रोल एडिक्वेट है। नहीं, इसमें इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं आएगी। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट की बेस पे ये सेक्शन बनाया जाएगा। ये असल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे सेक्शन है डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर। समझ ले, हर पैराग्राफ के अंदर अलग-अलग चीज की डिस्कशन होती है। तो इसकी बेस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होगी, लेकिन ये डायरेक्टली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं छापी जाती। अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। ठीक है, बल्कि वो अर्निंग पर शेयर का जो स्टैंडर्ड आपके तो नहीं होगा, अर्निंग पर शेयर पढ़ा हो आपने? एक मिनट, अरे पिछले सेशन में किसी ने अर्निंग पर शेयर का टॉपिक पढ़ा है? किस में? आरमन में। यानी मेरा ख्याल है शायद पहले है सिलेबस में नहीं होता होगा, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, ठीक है। अर्निंग, इसका मतलब अर्निंग कहते हैं प्रॉफिट को। एक होता है प्रॉफिट। अच्छा मुझे ये बताइए, एक कंपनी है, इसकी स्टार्ट जब स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है ना, तो उसमें एक एग्जांपल देता है, मैं सिर्फ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। कहता है एक कंपनी का प्रॉफिट है 1,00,000, एक कंपनी का प्रॉफिट है 10,00,000, बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कहता है अभी डिसीजन नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर की बेस पर डिसीजन करना। हो सकता है 1,00,000 प्रॉफिट वाली कंपनी के 1,00,000 शेयर हो, लेकिन 10,00,000 प्रॉफिट वाली कंपनी के 1,00,000 शेयर हो। ठीक है, तो इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपया पर शेयर है, इसकी 10 पैसे पर शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर को देखें, जब तक आप प्रॉफिट को शेयर के साथ मिला के नहीं ना देखते, कंपनी की सही परफॉर्मेंस सामने नहीं आती। तो प्रॉफिट इतना अच्छा बेंचमार्क नहीं है परफॉर्मेंस वैल्यूएट करने का, जितना अच्छा बेंचमार्क अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, अर्निंग पर शेयर ये आगे चल के किसी सब्जेक्ट में आईकैप ने एक दफा केस स्टडी पूछी थी। उसने कहा था मैं थोड़ा सा चेंज करके लॉ के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। उसने कहा एक प्राइवेट कंपनी ऐसी है, उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाई तो उसमें अर्निंग पर शेयर ही नहीं लिखी, बताइए SECP को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? इसका जवाब था नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि प्राइवेट कंपनीज के लिए अर्निंग पर शेयर जरूरी नहीं है। हाँ, आप अगर एक बड़ा ही हाईफाई किस्म का आंसर देना चाहते हैं तो फिर कह सकते हैं कि हम देखेंगे क्या ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है कि नहीं। अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है फिर एक्शन लेना चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और ये सारे एलिमेंट ध्यान में रखिएगा, हर कंपनी के लिए नहीं, किन के लिए?
या ऐसी प्राइवेट कंपनी बेचे सब्सिडी हो पब्लिक कंपनी, सब्सिक्वेंट डिमांड। हाँ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 चल रहा है, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो उसमें किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक की ट्रांजैक्शन होगी? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की ट्रांजैक्शन। एग्री करते हैं? जनवरी की ट्रांजैक्शन तो नहीं होंगी, फरवरी की तो नहीं होंगी, यस का मतलब नहीं होंगी, ऐसे है ना। एक कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है 2022, उसकी 31 दिसंबर 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनवरी 2023 या फरवरी 2023 की ट्रांजैक्शन तो नहीं होंगी ना, नहीं होंगी। लेकिन एजीएम होनी है 120 दिन तक, ठीक है। एजीएम होने तक क्या ऐसा पॉसिबल है कि जनवरी और फरवरी में कोई ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन अकर हो जाए जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अहम हो? जैसे कोई जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, मर्जर हो सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज कर सकती है, नेशनलाइजेशन हो सकती है, आग वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं। सोचिए क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रही होंगी? क्या यूजर्स को बता देनी चाहिए, शेयर होल्डर को बता देनी चाहिए? कैसे बताएंगे? डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। देखिए कितने काम की डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, जो चीज भी आप समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह गई है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पूरा कर दें इसको। मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर ऑडिटर, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर का मतलब है अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया और उसे उसमें गड़बड़ नजर आई, इसमें मॉडिफाइड का मतलब है गड़बड़। अगर आपने ऑडिट पढ़ा है तो आपको इसे वाकफियत होगी, क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ। अगर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हो ना तो डायरेक्टर्स ने अपनी जस्टिफिकेशन देनी होती है, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर की तरफ से बड़ा नेगेटिव सिग्नल होता है शेयर होल्डर्स के लिए। और जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन है शेयर प्राइस ठक करके नीचे गिरती है जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन हो, तो डायरेक्टर्स फिर उसको अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि उनके ख्याल में ऑडिटर ने ठीक किया कि गलत किया, और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखिए, दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू कहां होगा ऑडिट रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कहां होगा? क्लियर? अच्छा, अब ये तो वो एलिमेंट्स थे जो पब्लिक कंपनी के थे, अब आ जाए लिस्टेड कंपनी। अब बताइए अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सारे आएंगे, तीनों। एडिशनल एलिमेंट्स फॉर लिस्टेड कंपनी, इसमें जो ये बिजनेस रिव्यू सेक्शन है ना, बिजनेस, ये मजीद ओपन एक्सपेंड होगा, मजीद एक्सपेंड। लिस्टेड कंपनी है तो जो उसका बिजनेस रिव्यू सेक्शन है ना, बिजनेस रिव्यू सेक्शन जो हमने पहले पढ़ा, उसमें ये मजीद चीजें लिखी जाएंगी। कौन सी चीजें? फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पास्ट परफॉर्मेंस को शो करवा रही है, अगर डायरेक्टर समझते हैं कोई कोई ट्रेंड ऐसे हैं, कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस तो लिख देगा, लिख देंगे कि जैसे इस साल तो जैसे रिजल्ट आए, रिजल्ट वाले एग्जांपल ना आपके याद रहते हैं आपको, इसीलिए मैं आपको याद करवाता हूँ। रिजल्ट आए, घर वाले ने कहा हाँ भाई क्या, तो आप कहते हैं नहीं नहीं असल में ना इसमें ईद आ गई थी, ठीक है हाँ, और इसमें सर ने छुट्टियाँ बड़ी कर ली थी, और इसमें तो हॉस्टल जो था ना हॉस्टल उधर खाना ठीक नहीं मिला, मैं बीमार हो गया था, लेकिन आइंदा अगले ट्रेंड में इनमें से कोई मसला नहीं होगा, पास ही पास इंशाल्लाह। घर वालों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बताते हैं ना, खास तौर पे जब करंट प्रोस्पेक्ट्स आपके फारिग होते हैं, तो उसी तरीके से अगर करंट प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के फारिग हैं तो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स बताते हैं, कि जो ऐसे फैक्टर्स जो उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इफेक्ट, जैसे वो कह सकते हैं इसमें कि हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, बेफिक्र रहे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और देखें कितना प्रॉफिट होता है अगले सालों में। एक्टिविटीज रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल सोशल एक्टिविटीज अगर कंपनी ने की है, क्या करनी, स्कूल वगैरह और बाज, हाँ स्कूल वगैरह ठीक है, दरख्त वगैरह भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंटल में आ जाता है, वो अलग पॉइंट है। याद रखिए रिसेंटली शेयर होल्डर्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसके ऊपर स्टैंडर्ड भी बन रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है ना, ये अल्टीमेटली अगर इसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ना किया गया तो अल्टीमेटली ये सारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रहेगी।
ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने तो बहुत पहले कर लिया था, भाई साथ साथ जनरल पब्लिक भी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। और कंपनीज के शेयर होल्डर्स ये कोशिश करते हैं कि उनकी कंपनीज जितनी पोल्यूशन फॉर एग्जांपल अपने ऑपरेशंस की वजह से क्रिएट कर रही है, उसी लिहाज से इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ एक्टिविटीज भी करें, दरख्त भी लगाए, दरख्त भी लगाए। तो लिस्टेड कंपनीज के चूंकि ऑपरेशन ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए लिस्टेड कंपनीज अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में करती हैं दो तरह की एक्टिविटीज। एक ये कि उनके ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट पे नेट इंपैक्ट क्या है, नेट इंपैक्ट क्या है, यानी उनके ऑपरेशन उनके बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट कितना नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है, और उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज इंप्लीमेंट की है। और दूसरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये खास तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज ना इस सेक्शन को बड़ा खास तवज्जो देती हैं कि वो ये कहें कि हम जिस कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे होते हैं ना, उस कंट्री के जो सोसाइटी है उसको सर्व करने के लिए क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे खास तौर पे जो रीजन है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भारत, यहाँ पे नॉर्मली जब कोई यूएसए बेस्ड कंपनी आए ना तो एक परसेप्शन ही होती है भाई गोरे आए और सारा पैसा लूट के खा के प्रॉफिट उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर गोरे क्या कहते हैं, फिर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सर, हमने ऑपरेशन किया प्रॉफिट कमाया ना, तो आपकी सोसाइटी के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में अपनी उन एक्टिविटीज का डिस्कस, सोशल एक्टिविटीज का डिस्कस करते हैं, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, बच्चों को तालीम दी वगैरह वगैरह, इंपैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट ये भी डिस्कस कर चुका मैं, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा ये पॉइंट ना डुप्लीकेट हो रहा है, पता नहीं क्यों डुप्लीकेट, लेकिन बहरहाल था तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसका मतलब यही है जो डिस्कस। एक और था एंड पे, हाँ डिविडेंड, जस्टिफिकेशन फॉर नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड डिस्पाइट प्रॉफिट, डिविडेंड वाली बात कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा, ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड पहले था कि जो डिविडेंड प्रपोज किया है वो कितना है, यहां पे ये था जो डिविडेंड प्रपोज किया है वो कितना है, और ये सम टाइम अगर प्रपोज किया तो आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रपोज नहीं किया, प्रॉफिट था लेकिन नहीं किया, इसकी रीजन यहां पे आएगी, और ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। शाबाश भाई, क्लियर हो गए कंटेंट्स एलिमेंट। सबसे अहम चीज इस टॉपिक में हमने क्या सीखी कि कंटेंट्स किस तरह की रिपोर्ट में क्या कंटेंट्स आएंगे। अगर लिस्टेड कंपनी है उसकी लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हाँ? लिस्टेड कंपनी वाले करें, लिस्टेड कंपनी वाले तीनों आएंगे। और अगर पब्लिक कंपनी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में, और अगर प्राइवेट कंपनी है। अच्छा अब एग्जाम एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बस, उसके बाद क्लास खत्म, लेकिन देखते हैं कि आपने कुछ समझ पाया कि नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सुनिए, एबीसी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हाट शैल बी कंटेंट्स ऑफ इट्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये वाले और ये वाले अलग, ये पब्लिक कंपनी मैंने बोला ना, ये तो नहीं बताया लिस्टेड गैर लिस्टेड, हाँ जी, तो हम लिखेंगे ये वाले लाजमी आएंगे, ये भी आएंगे, और फिर अगली हेडिंग लेनी है इफ लिस्टेड तो ये भी आएंगे। इफ क्योंकि देखिए मैं अगर तो मैं क्वेश्चन में क्लियरली लिख दूं ना कि अनलिस्टेड है, तो आपने सिर्फ ये ना दोनों लिखने हैं। अगर मैं क्वेश्चन में क्लियरली लिख दूं लिस्टेड है तो आपने तीनों लिखने हैं, और अगर मैं क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन कर लूं पब्लिक है तो फिर आपने ये लिखने हैं, ये लिखने हैं, और इफ करके ये लिखने हैं। और अगर मैं कह दूं प्राइवेट कंपनी है विच इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और अगर सिर्फ इतना लिखूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो फिर ये तो आएंगे ही आएंगे इफ सब्सिडरी करके, ये भी है। समझ रहे किस तरह की इंफॉर्मेशन में कैसे। चलिए तो असाइनमेंट नोट कर लीजिए, रिटन फॉर्म में असाइनमेंट आपने लाजमी करके आनी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।